हमें पता है कि कितना सबक के लिए हम किसका यूज करेंगे, हाउ मच और हाउ मेनी का। हाउ मेनी का यूज मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज अकाउंटेबल है उसके लिए हम यूज करेंगे, जिन चीजों को हम अकाउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनके लिए हाउ मेनी का यूज करेंगे। और हाउ मच का यूज हमें क्वांटिटी के लिए यूज करेंगे, आप उसको अनकाउंटेबल भी बोल सकते हैं। अनकाउंटेबल जो चीज हम गिन नहीं सकते, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, उसके लिए किसका यूज करेंगे, बोले हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच। इन चीजों को हम नहीं गिन सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो सभी को पता है कौन कौन सी वस्तु है, उनको वाटर है, पता है ना नाउंस का आपको, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनका पता है ना सभी को किन किन चीजों को नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। तो बोले हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच वाटर डू यू नीड, हाउ मच वाटर डू यू नीड, कितने पानी की आवश्यकता है बताइए, कितने पानी की आवश्यकता है बोले, हाउ मच वाटर डू यू नीड, हाउ मच वाटर डू यू नीड, कितनी नॉलेज आपके पास बोले, हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, स्पीक लाउडली, ओनली 5 मिनट्स यू हैव टू प्रैक्टिस विद मी, ओके। हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, इंग्लिश की नॉलेज कितनी है बोले, हाउ मच नॉलेज ऑफ इंग्लिश डू यू हैव, हाउ मच नॉलेज ऑफ इंग्लिश डू यू हैव, हिंदी की कितनी नॉलेज है बताए, बोले हाउ मच नॉलेज ऑफ हिंदी डू यू हैव, हाउ मच नॉलेज ऑफ हिंदी डू यू हैव, नॉलेज बताई नहीं जाती, इसे साबित करना होता है। बोले नॉलेज इज नॉट टोल्ड, नॉलेज इज नॉट टोल्ड इट्स प्रूव्ड, स्पीक लाउडली, नॉलेज इज नॉट टोल्ड इट्स प्रूव्ड, हाउ मच का पता चलता है ना कहाँ यूज करते हैं, हाउ मच, बोले हाउ मच, हाउ मेनी, कितने भाई बहन हो, बोले हाउ मेनी बताया था ना, बोले हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू, हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू, सिबलिंग्स को भाई बहन को बोलते हैं, सिबलिंग्स किसको बोलते हैं, हाँ तो बोले हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू, परिवार में कितने भाई बहन हो, बोले